अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे रेडिट के अबाउट के बेसिकली रेडिट है क्या और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रेडिट एक ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म है जिसके ऊपर जाके आप डिफरेंट चीज़ों के अबाउट डिस्कशन कर सकते हैं, चाहे वो आपकी हॉबीज़ हैं या इंटरेस्ट हैं या आप किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाह रहे हैं या कोई भी आपके क्वेश्चन हैं उनका आंसर जानना चाह रहे हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको उनके रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, राइट। रेडिट को इंटरनेट का होम पेज भी कहा जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि रेडिट कितना इम्पोर्टेंट है। 2005 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। तो अगर इसको इंटरनेट का होम पेज कहते हैं तो इसके ऊपर अलॉट ऑफ ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और प्रीमियम ट्रैफिक, सारी आउट ऑफ कंट्रीज़ लाइक USA, UK, कैनेडा, इन इस तरह के प्रीमियम कंट्रीज़ की ट्रैफिक यहाँ पे मौजूद है। तो इसको आप डिफरेंट फ़ायदों के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रैफिक लेके आ सकते हैं अपने ब्लॉग्स के ऊपर, अपने वीडियोस के ऊपर और डिफरेंट जगहों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, क्या क्या इसका फंडा है टोटली। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, हम देखते हैं। सबसे पहले काम हमारे यहाँ पे ये होने वाला है कि हम एक अकाउंट क्रिएट करें रेडिट के ऊपर। मेरा ऑलरेडी रेडिट के ऊपर अकाउंट क्रिएटेड है। तो आप सिंपल यहाँ reddit.com के ऊपर आएंगे और सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे देखें कुछ ऑप्शंस हैं लॉगिन एंड साइन अप का। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप इस तरह से लॉगिन करेंगे, अदरवाइज सिंपल साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल देंगे। यहाँ पे मैं एक डमी ईमेल दे रहा हूँ, राइट, ताकि जस्ट आपको शो करवा सकूँ। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना नेम देंगे, लेट्स से, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देंगे, ये अगर अवेलेबल हुआ यूज़र नेम तो आपको यहाँ पे शो करवा देगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसको इस तरह से पासवर्ड देंगे, राइट, और इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड और कुछ इस तरह से आपका अकाउंट शो हो जाएगा आपको। लेकिन मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, मुझे ये अकाउंट नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लॉग आउट करके और अपना ओरिजिनल अकाउंट जो है वो आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ। तो इनको मैं, तो यहाँ मेरे पास मेरा अपना अकाउंट जो है लॉग इन हो चुका है और कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरफेस की। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास होम है और यहाँ पे हमारे पास, अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास सब रेडिट शो हो जाएंगे। सब रेडिट डिफरेंट कम्युनिटीज़ को आप कह सकते हैं जो आपने ऑलरेडी ज्वाइन की हुई है, राइट, जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। तो इनके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सर्च आइकन है, अगर किसी भी टॉपिक के अबाउट आप सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के अबाउट। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, पॉपुलर जो चीज़ें आजकल रेडिट के ऊपर पॉपुलर चल रही हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम वही कॉन्टेंट शो हो जाएगा जो कि ट्रेंडिंग के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे आप कॉइन्स बाय कर सकते हैं किसी दूसरे क्रिएटर को देने के लिए एज अ रिवॉर्ड। यहाँ पे हमारे पास है हैपनिंग नाउ, जो रेडिट पे राइट नाउ चल रहा है, जो चैट, स्टॉक, ऑडियोज, जो कुछ भी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रेडिट रिकैप, आपका रिकैप कि आपने 2022 के अंदर क्या क्या चीज़ें की हैं, वो एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे सारी शो हो जाएंगी कुछ इस तरह से, राइट। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चैट्स कर सकते हैं डिफरेंट लोगों के साथ डायरेक्टली और यहाँ पे डिफरेंट रूम भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइव मैसेजेस और रूम भी बना सकते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ ग्रुप्स बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन हमें शो हो जाएंगे जो भी हमारे अकाउंट के रिलेवेंट होंगे। और यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं तो ये इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पोस्ट कर पाएंगे। पोस्ट के बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास अकाउंट का ऑप्शन है और यहाँ पे आपको बेसिक ऑप्शन मिल जाएंगे, प्रोफाइल के रेलेवेंट, अवतार के रेलेवेंट और बाकी सारी चीज़ें, राइट। तो ये था बेसिक सा इंटरफेस। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने वाली है वो ये है कि आपको यहाँ पे पोस्ट किस तरह से करते हैं, राइट। पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सब रेडिट्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। सब रेडिट्स क्या है? सब रेडिट्स बेसिकली ये चीज़ें हैं हमारे पास, यार वो चार्ज बंद हो गया जल्दी।
तो सबरेडिट्स बेसिकली डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो आप ज्वाइन करते हो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, और उन्हीं के अंदर आप डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं या पोस्ट किए हुए हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, या आपका अगर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप पूछ सकते हो और दूसरे लोग उस कम्युनिटी के आपको उसमें उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ हर सबरेडिट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि क्या चीज़ें उसके अंदर पोस्ट हो सकती हैं और क्या चीज़ें पोस्ट नहीं हो सकती, राइट। और इसके अलावा कुछ और रूल्स भी होते हैं, तो चलिए मैं आपको एक दो सबरेडिट्स दिखा देता हूँ आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो और किस तरह से आप उनको लीव भी कर सकते हैं या उनके अंदर डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सिंपल, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ NFT, राइट। तो NFT पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे हमारे पास देखिए बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए सब रेडिट्स, ये आर के आगे जो वो कम्युनिटी का नाम है, यहाँ पे देखिए आर एंटरटेनमेंट, आर कंसर्वेटिव्स, आर बिटकॉइन, तो ये सब रेडिट्स है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कम्युनिटीज सब रेडिट्स मौजूद है, तो मैंने ऑलरेडी ये ज्वाइन की हुई है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर लीव करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूँगा और मैं इस कम्युनिटी को लीव कर दूँगा। अब इस कम्युनिटी के अंदर जो जो चीज़ें चल रही हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है हॉट का, यहाँ पे न्यू का और टॉप का, तो यहाँ पे आप इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन सी किस तरह की पोस्ट आप देखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए डिफरेंट पोस्ट है, तो यहाँ पे आप इनको अपवोट और डाउनवोट कर सकते हो। जो पोस्ट के सबसे ज़्यादा अपवोट होंगे वो सबसे टॉप के ऊपर आ जाएगी, राइट, और उसको ऑब्वियसली बात है उतनी ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। तो यहाँ पे देखें, इन्होंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है इस क्रिएटर ने। यहाँ पे देखें आप इस पर कमेंट कर सकते हैं डिफरेंट तरह के, जो भी आप कमेंट करना चाहें यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे इसको अवार्ड कर सकते हैं, ये कॉइन्स परचेज करके आप इसको अवार्ड कर सकते हैं। इसी तरह बाकी लोग आपको भी कॉइन्स दे सकते हैं जिनको आप कैश भी करवा सकते हैं, और यहाँ पे इस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं दूसरे सबरेडिट्स के अंदर या कहीं और इस पोस्ट को सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं हमारे पास, हाइड और रिपोर्ट कर सकते हैं इस पोस्ट को। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें, और यहाँ पे देखें तो हर कम्युनिटी के साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे जो आपको समझना लाजमी है कि ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों के अबाउट आपको पोस्ट करनी है, राइट। यहाँ पे देखें ये रूल्स हैं, ठीक है, कि इन्हीं चीज़ों का अगर आप कोई और पोस्ट करोगे, लेट्स सपोज ये NFT की कम्युनिटी है और आप इसके ऊपर फ्रीलांसिंग के अबाउट कोई चीज़ बात करोगे तो ये आपको बैन कर देंगे और हो सकता है आपका अकाउंट भी बैन हो जाए, राइट। तो ये चीज़ें आपने को आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, सिंपल इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें टाइटल लिखेंगे सिंपल, यहाँ पे जो भी है व्हाट इज NFT, और यहाँ पे उसका टेक्स्ट लिखेंगे व्हाट इज NFT, मैं डमी सा टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट, ओके। और इसको फिर आप डेकोरेट कर सकते हैं इनको यूज़ करते हुए, राइट। उसके बाद इनको आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है, मार्क एज ओरिजिनल कंटेंट, मार्क एज स्पॉइलर, मार्क एज नॉट सूटेबल फॉर वर्क, और यहाँ पे आप डिफरेंट टैग्स भी दे सकते हैं। ये टैग्स आपको हर कम्युनिटी के साथ साथ डिफरेंट मिलेंगे। अगर आपने जो है वो एंटरटेनमेंट की कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है तो यहाँ पे ये टैग्स आपको वहाँ पे उसके रेलेवेंट मिलेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे उन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट, और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं चल जाता हूँ होम के ऊपर और मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, होम के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं तब तक पोस्ट नहीं कर सकता, मुझे ज़रूरी किसी ना किसी सब रेडिट के अंदर ही पोस्ट करनी पड़ेगी। मुझे पोस्ट नहीं अलाउ कि मैं नॉर्मली पोस्ट करूँ। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ, लेट्स से ओके, यहाँ पे मैं डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये पोस्ट का ऑप्शन एक्टिव नहीं है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन यहाँ से मुझे कम्युनिटी सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी जिसके अंदर मुझे पोस्ट करनी है, जो मैंने ऑलरेडी ज्वाइन की हुई है। तो मैं सिंपल इसको क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने सेटअप कर ली, और उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे पोस्ट कर पाऊँगा, राइट। और यहाँ पे देखें इस सबरेडिट के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मेरे सामने यहाँ पे शो हो चुके हैं कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अगर आपकी पोस्ट है तो आप पोस्ट करें, अदरवाइज आपकी पोस्ट जो है डिलीट कर दी जाएगी और आपको इस कम्युनिटी से भी निकाल दिया जाएगा। तो सिंपल ये है रेडिट, और इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा वन कर्मा। तो कर्मा बेसिकली
आपके इंक्रीज होते जाते हैं जब आप इस कम्युनिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हो, किसी दूसरे की पोस्ट के ऊपर आप कमेंट करते हो, उसको गाइड करते हो या अपनी पोस्ट करते हो यहाँ पे, मतलब इस कम्युनिटी के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर आप कंट्रीब्यूट करते हो रेडिट के ऊपर, तो आपके कर्माज इंक्रीज होते जाते हैं, जिसके आप डिफरेंट बेनिफिट होते हैं। एक तो आपकी जो है क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है इस रेडिट के ऊपर, जितने ज़्यादा कर्मा होंगे उतने ज़्यादा सीनियर मेंबर आप होंगे और आपकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और दूसरी बात, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं या सब रेडिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पोस्ट करने के लिए आपको मिनिमम कर्मा चाहिए होता है। लेट्स सपोज उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो बंदा इसके अंदर पोस्ट कर सकता है जिसके मिनिमम 10 कर्मा हो, राइट। तो इस तरह से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एज अ सीनियर मेंबर ये आपको दिखाते हैं, और आपकी पोस्ट इस जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा एंगेजमेंट होगी आपकी पोस्ट के ऊपर, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी आपकी पोस्ट को। अब उस ट्रैफिक को आप ड्राइव चाहे जिधर भी मर्जी करना चाहें। तो ये था बेसिक सा यूज़ रेडिट का, आई होप आपको समझ आई होगी। इसको बताने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता और बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं जिस तरह का इसका इंटरफेस है। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूजन है अबाउट रेडिट, फील फ्री टू कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई अबाउट दैट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।